तो बिफोर एंड ज्योति मुझे दो चार टेक्निक्स बताओ हाँ जो आपके हिसाब से affirmations. Okay. Affirmations, आपको कुछ पॉजिटिव लाइफ के देखो तीन चार एरियाज ही होते हैं हेल्थ रिलेशनशिप करियर एंड वेल्थ है ना इ, इसी के आसपास भाग रहे हैं कोई ये नहीं आता कि मेरा भगवान में ध्यान नहीं लग रहा ज्योति पता हाँ। कैसे लगे भगवान

उसको अपनी वॉइस में सामने लिया उन को और उसको ना बहुत अच्छे से बोला और अपनी अर्ली इन मॉर्निंग और एट स्लीपिंग उससे क्या होगा फीलिंग आप, बार बार लाने के लिए प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा hmm. अभी आपका मूड अपसेट है लेकिन जो आप अपनी आवाज आप सुन रहे हो उसमें बहुत है hmm. तो आप उस फीलिंग में आपको चले जाओ बहुत जल्दी ठीक है अफर्मेशन आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू रीप्रोग्राम योर माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव आने का इसे बेस्ट तरीका नहीं ऐसा कुछ नंबर भी होता है इतनी बार तो लिखना चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं आप एक बार लिखो दो बार लिखो आप एक बार लिख के देखो ये भी आपके ऊपर है जैसे मेरी आदत है मैं ग्रेटिट्यूड जनरल में अफर्मेशन लिखती हूँ okay. लेकिन अगर आप यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग नो वरीज एक बार लिखो उसको बार बार पढ़ो पढ़ो हाँ लेकिन ऐसे टाइम पे जरूर पढ़ो जब मूड बहुत अच्छा हो ऐसे टाइम पे बिल्कुल मत पढ़ो व्हेन यू आर सैड एंड यू आर जस्ट डूइंग फॉर्मालिटी मकैनिकल okay. नहीं होना चाहिए जब तक फीलिंग मिसिंग रहेगी आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने में आपको दिक्कत आएगी फिर आपको ज्योति मुझे तो दो साल हो गए मुझे नहीं hmm. मिला ठीक है क्योंकि अंदर से आपका बिलीफ सिस्टम hmm. उसको हाँ ही नहीं करने दे रहा आपकी ब्लॉकेज ही इतनी ज्यादा है दूसरा आपको फीलिंग नहीं आ रही है आपको बोलते हुए ना ये फील आनी चाहिए दो मिनट के लिए मैं बन गया हूँ hmm. जो भी आप बनना चाहते हैं सिंपल ठीक है फर्स्ट टेक्निक वन ऑफ माई फेवरेट सेकेंड इज ग्रैटिट्यूड जस्ट राइट राइटिंग जर्नल एक डायरी लीजिए उस डायरी के ऊपर आप ग्रैड आप जो भी लाइफ में आपका अच्छा है हुँ. आपकी लाइफ में आपके बचपन से लेके अभी तक जो भी अच्छा रहा आपके पेरेंट्स सपोर्टिव रहे आपकी सिबलिंग्स बहुत अच्छे रहे फ्रेंड सर्कल अच्छा रहा आपकी लाइफ में जो भी अच्छा रहा या जो भी लोगों ने आपको हर्ट किया उनको भी थैंक यू करते हुए आपको लिस्ट बनानी है ओके तरण जी नॉर्मली क्या होता है हम हमेशा उन लोगों को गाली देते हैं जो लोग हमें हर्ट करते हैं उनके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं बट रियालिटी है हम ग्रो भी होने की वजह से हाँ क्योंकि अच्छे लोग आपको एक हद तक मोटिवेट करते हैं लेकिन जो आपको हर्ट करता है ना वो आपको पुश करता है टू डू समथिंग बेटर टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ तो एंड ऑफ द डे कभी भी आप देखेंगे ना ऐसे लोगों को थैंक यू करना चाहिए वेलकम नहीं करना चाहिए कि आते जाएं लेकिन थैंक यू करना चाहिए क्योंकि उनके पेन की वजह से आप कुछ ना कुछ नया डिफरेंट लाइफ में करते हैं hmm. और जब भी आपकी लाइफ में कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा वो बिना झटके के बिना पेन के आ ही नहीं सकता बिल्कुल वो पत्थर को पैर नहीं पड़ता लात नहीं पड़ती वो जाता नहीं आग्जैक्टली exactly. तो जब भी लाइफ जब भी आपको अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है तो आपने उनको भी थैंक यू करना है पहले फॉरगिव करना है और फिर उनको भी थैंक यू करना है थैंक यू जो भी लेसन था मेरी लाइफ का आपने मुझे दिया नाउ यू गो योर वे आई एम गोइंग माई वे आप मतलब उसका लेसन ज़रूर लेते हैं ठीक है ठीक है तो ग्रैटिट्यूड इज जर्नल इज़ वो भी मॉर्निंग या इवनिंग में कभी भी लिख सकते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्क्रिप्टिंग जैसे मूवी स्क्रिप्ट होती है सीरियल्स की स्क्रिप्ट होती है स्क्रिप्ट में क्या होता है स्क्रिप्ट में क्या होता है वो पहले से देख लेते हैं कि मूवी में एंड हम ये करेंगे और बीच में हम ये करेंगे ये सब रहेगा लेकिन अगर इस बीच में किसी पर्सन की डेथ हो जाए उस मूवी को बनने में दो तीन साल लग जाते हैं वो क्या करते हैं मॉडिफाई कर देते हैं सीन को चेंज कर देते हैं वो कर देते हैं आपको भी अपने लाइफ की स्क्रिप्टिंग करनी है डेली बेसिस मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस इससे ज़्यादा मुझे लगता है प्लान्स नहीं बनाने चाहिए ठीक है आपने स्क्रिप्टिंग करी अपने लाइफ की ठीक है स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है आपको जो गोल आपको चाहिए था उसको आपने प्रेजेंट टेंस में लिख दिया ठीक है अब वो स्क्रिप्टिंग करने का मतलब ये है आपने यूनिवर्स में ये सिग्नल डाल दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए बॉस और मैं उसके लिए देखो थैंक यू बोल रहा हूँ तो फिर क्या होता है जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं रीडिंग उसको बार बार टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं और उसके बाद आप उसका एक्शंस uh, लेते हैं तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है मैंने बॉलीवुड के इतने एग्जाम्पल्स देखे हैं ना अनुष्का शर्मा उसको जब यशराज बैनर का मूवी मिला था तो उसने कहा था कि आ, मेरी मदर ने मुझे कभी नहीं बताया था एक फैंशुल में ना एक टॉटाइज होता है ठीक है तो उसके अंदर उन्होंने एक विश लिखी हुई थी उसके लिए जब उसने अपने मदर को कॉल करके बताया कि आज ये अचीवमेंट मेरी हुई है तो जैसे वो घर पहुँचे उसके मॉम ने उसको वो दिखाया कि देख मैंने कितने साल पहले ये चीज़ करी थी कि तुम तुम्हारा करियर यशराज की मूवी से स्टार्ट हो एग्जैक्टली और ऐसे विराट कोहली विराट कोहली कहते हैं कि वो तो विजुलाइजेशन में इतने प्रो हैं वो कहते हैं कोई भी मेरा जब आगे कोई मैच होना होता है मैं मिरर एक्सरसाइज़ करता हूँ मिरर के आगे खड़े होकर मैं ये प्रटेंड करता हूँ कि आ, मैं किस तरीके से आगे परफॉर्म करूँ आलिया भट्ट कहती हैं कि मैं अवार्ड परफॉर्म करती हूँ कि अवार्ड लूँगी तो किस तरीके से लूँगी अच्छा, या कैसे वो बोलूँ कैसी स्पीच दूंगी या कैसे करूँगी एक्जैक्टली exactly कि मेरा क्या बॉडी लैंग्वेज होगा क्या बिहेवियर होगा एंड थिंग्स आर वर्किंग फॉर दैट ठीक है ना तो विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल जर्नलिंग इज वेरी पावरफुल एंड इज वेरी पावरफुल okay. वैसे तो मैं आपको पता नहीं कितनी टेक्निक्स बता सकती हूँ बट डीज थ्री थिंग्स जो मैंने पर्सनली ट्राई किया hmm. और जिनका रिजल्ट मैंने देखा ग्रेटिट्यूड इज माई फेवरेट उसको मैं छोड़ती नहीं okay. मेरे घर में कम से कम दस से पंद्रह डायरियां जो मेरी भर गई है। उसमें आपने सब कुछ लिखा हुआ किसी को आपने माफ़ किया है माफ किया वाला का ज्यादा मैं क्या रखती हूँ मैं उसमें नहीं लिखती उसमें मैं सिर्फ पॉजिटिव लिखती हूँ उसके लिए मैं क्या करती हूँ टाइम टू टाइम जैसे एवरी पर्सन इज़ फेसिंग सम चैलेंजेस इन लाइफ ऐसा नहीं, नहीं कि हमारी लाइफ बहुत कूल एंड काम है क्योंकि हम इस फील्ड में ऐसा नहीं होता ठीक है उल्टा ऑकिल साइंस में आते ही वही लोग हैं जिनकी लाइफ में चैलेंजेस रहे होते हैं एक टाइम पर और गॉड उन्हें चूज़ करता है कि गो इन दिस मैन ठीक है तो मैं क्या करती हूँ जैसे फुल मोन हुआ तो एक पेपर और पेन ले कर बैठती हूँ और तो जो भी मुझे पिछले कुछ दिनों में बॉडर कर रहा है या, या किसी को मुझे माफ़ करना है उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे बॉडर कर रही है और मैं आज की डेट में उस पर्सन को फोन करके ये बात नहीं कह सकती मेरे उससे कॉन्टैक्ट नहीं है या वो पर्सन है ही नहीं मैं नहीं कर सकती या अपना ही कुछ बॉर्डर कर रहा है आई जस्ट राइट इट डाउन ऑन माई पेपर आफ्टर दैट आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू ये चार स्टेटमेंट डाली कि मैं किसी को कर्स नहीं करी आई एम जस्ट रिलीजिंग माई पेर ऑन दिस पेपर एंड बर्न इट अच्छा और इसे फ्लश कर देती वो जैसे वो हम लोग बचपन में करते थे एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो जला के खत्म किया उसको करके देखें इट्स वेरी इफेक्टिव हाँ काम करता है वो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी रिली देखो आपका माइंड कोई डस्टबिन नहीं है कि आप नेगेटिविटी इकट्ठी करते जाओ इकट्ठे करते जाओ जिस दिन आप और आप पेपर पे लिख के उसको रिलीज़ कर दोगे उसकी जो इंटे... वो होगी ना इंटेंसिटी वो लो हो जाएगी आपको वो पेन उतनी तरीके से फील ही नहीं होगा धीरे धीरे आपको लगेगा दिस इज़ जस्ट अ थाट जैसे बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं कि ये अंदर बॉडी में आपको हार्म नहीं करो करोटेड भी मत रिमूव करो वही वाली चीज़ हो जाती है कि वो एक थॉट ही रह जाती है अच्छा, end, एक मेमोरी रह जाती है बट पेनलेस मेमोरी ठीक है अच्छा बिफोर वी एंड एक चीज और मुझे छोटी सी आप बता दो मैंने ये क्वेश्चन आपसे शुरू में पूछा था कि पॉजिटिव सोचना बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए कोई टेक्निक स्पेसिफिक टेक्निक है कि यार मैं अपने दिमाग से सिर्फ पॉजिटिव ही सोचूँ आपने कहा था कि नहीं वो पॉसिबल नहीं लेकिन उसको एटलीस्ट चैनलाइज कर सकते करसेंट हाँ, कर दूँ तो पर लेकिन एटलीस्ट मैं 80 तक पहुंच कि हाँ मैं 80 मेरी पॉजिटिव हो जाए देखो नेगेटिव सोचना नेगेटिव आना बुरा नहीं है गलत नहीं है बहुत बार आपको बहुत सारी चीज़ों में बॉर्न करता है आपको और वो जरूरी होता है ठीक है ज्यादा पॉजिटिव भी हर समय सोचने से हर समय देखने से सामने वाला बदल नहीं जाता कई बार आप लाइफ में धोखे भी खाते हैं तो वो अवेयरनेस जरूरी है पॉइंट इज दैट आपको नेगेटिव थॉट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है ठीक है और उसकी फीलिंग नहीं आनी चाहिए नेगेटिव थॉट कब परेशान करते हैं तब इफेक्ट डालती है जब आप एंक्शस होते हैं ओके दैट इज़ योर नेगेटिव इमोशन जब आप डेस्परेट होते हैं दैट इज ऑल्सो योर नेगेटिव इमोशन है ना तो जब आप किसी चीज़ में जैसे ओवर थिंकिंग करते हैं लोगों को ना ओवर थिंक कर करके एकदम माइंड तो एकदम तो सिरदर्द होने लगता है ठीक है आपकी पूरी बॉडी में अचानक आपको अनकम्फर्टेबल होने लग जाएगा बहुत से लोगों को ज्यादा ओवर थिंक करके स्टमिक इश्यूज हो गए अच्छा ठीक है ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि इसीलिए कहा जाता है जब भी आप खाना खाना सारी टेंशन करके, enjoy that food. क्योंकि अगर आप उस टाइम हो जाएगा मैंने ये भी सुना है कि आप जिस फूड खाना बनाते हैं yes. या जैसे जो जो भी लेडीज या कोई भी हाँ? अगर खाना बना रहे हैं हाँ. वो किस थॉट से बना रहे हैं वो खाने का पूरा नेचर चेंज हो जाता है बिल्कुल वो पर्सन बहुत पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए कहा जाता है कि घर की जो फीमेल जो खाना बनाती है उनके साथ आप उस टाइम पे तो उस टाइम तो 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 लड़ाई झगड़ा है क्योंकि खाना मिले नहीं तो। exactly. या फिर आप कोई घर में कुक है तो उनको खुश रखें तो ये बहुत जरूरी है एक और भी तरीका आजकल आ गया है पे ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है फिर म्यूजिक का जिसमें चलते रहते हैं बहुत से लोग आग उसे किचन में फिट कर देते हैं ताकि आपका फूड हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहे उससे लोगों की हेल्थ में बहुत पॉजिटिव चेंज हो अच्छा ये आपने वही सही चीज़ बताई है ये yes. तो मैं अपने घर पर भी कर सकता हूँ एक और चीज़ मुझे अभी याद आई मैं वो भी ज़रूर बताना चाहूँगी वाटर मैनिफेस्टेशन अच्छा यस yes. इसमें क्या होता है ये तो हम जैसे हम एक दिन में हम पता नहीं कितनी बार पानी पीते हैं वाटर हैज़ एनर्जी वाटर हमारी एनर्जी हमारी जो वर्ड्स uh, को एब्जॉर्ब करता है हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ठीक hmm. है तो जैसे पुराने टाइम में क्या होता था जैसे मेरी दादी हमेशा कहती थी जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं और कोई ऐसा इशू डिस्कस हो रहा है जो थोड़ा नेगेटिव है लो है तो कहते थे कि पानी नहीं पीना इसको फेंक के और नया पानी लेके अच्छा क्योंकि वो सारी एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब करता है ठीक है तो उस चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली देखें आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं कोई भी आपका ऐसा गोल है तो खासकर ये प्रैक्टिस हमेशा मॉर्निंग में करनी चाहिए कि आप मॉर्निंग में वैन यू स्टार्ट योर डे विद वाटर तो आप पानी को इस तरीके से हाथ में लें आपको उसको थैंक यू करना है पहले और उसके बाद आपका जो भी गोल है थैंक यू सो मच मेरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर मेरी अच्छी जॉब के लिए मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी कुछ भी आप बोलना चाहें से थैंक यू उसको देखिए पाँच दस सेकेंड के लिए एंड देन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर ओके और वैसे तो ये साइंटिफिकली भी अच्छा है ना हमारी बॉडी वैसे भी एट्टी परसेंट वॉटर है so, तो yes. अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके कोई पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए कि दिस इज माय डिवाइन वाटर तो वेन आई विल ड्रिंक दिस वाटर ना आई विल फील बेटर ये मेरी बॉडी में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हील कर रहा है एंड ऑफ द डे इज पॉजिटिव दिंगट अफॉर्मेशन कि आप कैसे उस चीज को अफॉर्म कर रहे हो तो जो इंटेंशन आप पानी को दोगे और उसके बाद उस पानी को पियोगे वो आपके बॉडी में वैसा ही बिहेव करेगी ओके okay. ठीक है तो आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आपकी कोई जॉब uh, से रिलेटेड इश्यूज हैं या कोई भी आपकी विशेष हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ट्राई टू डू एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स इन अ डे बहुत लोगों का तो नेचर में ही हो जाता है ओके ठीक है पानी पानी पीने के बदले उन्होंने पॉज लेना ही है क्योंकि okay. उनको आदत हो गई और उसमें पांच से दस सेकेंड लगते हैं आपने मन में बोला और फटाफट उस पानी को पी लिया एक और चीज कर सकते हैं जो लोग थोड़े लेजी होते हैं जिनको लगता है भाई ये मेरे, एवरी टाइम तो मेरे मेरे जैसे आपके जैसे तो वाटर बॉटल लीजिए उसमें आप अपनी अफर्मेशन पेस्ट कर दीजिए ओके लिख के लिख कर पेस्ट कर दो ओके। आपको लगता है कोई मत देखे आप उसकी साइड वो बैक साइड पे कर दीजिए प्लेन साइड ऊपर कर दीजिए वो उस पर कर दिया आपको फिर भी एक बार उस चीज़ को याद तो करना ही है कि दिस इज़ माई चार्ज वाटर आपके मन में रहना चाहिए देखो इंटेंशन बहुत मैटर करती है ठीक है आपने पानी को पिया तो आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रहा है आपने ग्रेटिट्यूड डायरी लिखनी शुरू की जो भी आपने डायरी या कॉपी दी आपने बोला ये मैजिकल डायरी है मैं जो भी लिखूंगा ना मैन तो फिर क्या होगा पानी पियोगे कॉन्शियसली लिखोगे कॉन्शियसली आपको पता होगा आप क्या लिख रहे हो आप क्लियर रहोगे कि पता है बॉस ये मिल जाएगा आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट है ना जैसे आपको लगेगा आप लो फेज में जा रहे हो आप उस पानी को नहीं पियोगे उस टाइम जैसे आपको लगेगा कि आप गलत आपका मूड खराब हो रहा है आप ग्रेटिट्यूड डायरी वहीं बंद कर दोगे ग्राटिट्यूड डेली लिखना जरूरी नहीं है लेकिन जब लिखो अच्छे माइंड से लिखना जरूरी है hmm. निकालो पाँच मिनट इज इनफ लिखो एक घंटा लेकिन दिमाग तो सारी जगह घूम रहा है यू आर जस्ट राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग विदाउट एनी इमोशंस एंड फीलिंग्स थिंग्स विल नॉट पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है इन पॉजिटिविटी फील करना बहुत जरूरी है okay. जो मैं कर रही हूँ जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा ये पॉजिटिव थॉट बहुत जरूरी है उसके बाद लेट गो बहुत जरूरी है अब मैं बार-बार इस चीज को चेक नहीं करने वाली हूं अब ये मैंने कर दिया मैंने कर दिया अब तुम्हारा अब ये गॉड जाने यूनिवर्स जाने तो जितना हमारा ये फेथ होता है ना उतना ही